So, इस वाले वीडियो में बात करेंगे कंपैरिजन के दो भाइयों के बीच में। पहला भाई है नया वाला Redmi का Note 11 Pro Plus 5G और दूसरा है लास्ट ईयर का Redmi Note 10 Pro। ये Pro Plus वेरिएंट नहीं है, अभी 17,000 रुपए का मिल रहा है Mi.com पे। और नए वाले भैया मिल रहा है आपको 21,000 रुपीज का मिल रहा है 6+128GB वेरिएंट, लेकिन ये अवेलेबल नहीं रहता है। 5,000 का डिफरेंस है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा चेंज आया एक साल के अंदर, क्योंकि दोनों ही फोन मार्च के महीने लॉन्च हुए थे। ये 2021 का है और ये है 2022 का। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। ये जो 10 Pro है मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, इसकी बहुत सारी वीडियो बनाई मैंने। ग्लास बॉडी और ये ब्राउन कलर था इनको, और इसको जो फील है इसको कहते हैं फ्रॉस्ट मैट ग्लास बॉडी, और भाई ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर बात करते हैं इसके फ्रेम के बारे में, तो ये प्लास्टिक है लेकिन पूरा फील इसका मेटालिक है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इवन की जो फोन है कर्व है और इसके एजेस काफी पतले, तो हाथ में स्लिम फील होता है। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन था लास्ट ईयर के हिसाब से, और भाई ये कलर तो नेक्स्ट लेवल था। ओएलएक्स पर खरीदा था ज्यादा पैसे देके, मजाक नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ 11 Pro Plus है, इसका जो डिजाइन है थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो वाटर वेव वाला फील है इसके अंदर, और ये भी ग्लास बॉडी है, और जो इसका फ्रेम है ये हल्का सा नया डिजाइन है, बॉक्सी डिजाइन कहते हैं इसको। आप सभी को पता होगा आईफोन ने जब बॉक्सी डिजाइन लॉन्च किया, बहुत ज्यादा फोन्स ने सेम बॉक्सी डिजाइन को यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन वो फील नहीं आ पाती इसमें। फील का मतलब है ये जो इसका फ्रेम है ना वो पूरा प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक फील भी होता है और हल्का सा मोटा भी फील होता है फोन, और स्लाइटली भारी भी है। 202 ग्राम का फोन है यार ये, और ये वैसे 93 ग्राम का 10 ग्राम का फर्क है। लेकिन वेट बैलेंस देखते हैं एक बार, आप देखोगे हल्का सा आगे तरफ भारी सा लगता है ये फोन। ऐसा आप होल्ड करते हो तो हल्का सा आगे तरफ झुकाव दिखता है और थोड़ा सा वेट फील होता है इसके अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं 10 Pro का, इसका वेट बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा था और ये इतना ज्यादा वेट भी फील नहीं होता। तो लिटरली जो नया वाला डिजाइन है उतना ज्यादा अच्छा नहीं, लास्ट वाला बहुत ज्यादा एपिक था, तो शायद इसको फॉलो कर भी सकते थे यार। मतलब एटलीस्ट जो ये कर्व बॉडी होता है ना उससे फील बहुत ही अच्छी आती है यूज करने में फोन को। बहुत लोग बोलते हैं कि वेट ज्यादा बैटरी ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वो बात अलग है, चार्जर कैपेसिटी अलग है। एक साल भी हो गया, 33 वाट के इसके अंदर चार्ज मिलेगा, इसके अंदर 67 वाट का चार्ज मिलेगा। कोर से 50 मिनट के अंदर चार्ज कर लेता है, इसको 80 मिनट लगा था चार्ज करने में, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं क्योंकि बैटरी एकदम सेम है। तो मेरे हिसाब से फील में भी ये ज्यादा अच्छा है, कलर डेफिनेटली इसका ज्यादा अच्छा है, और इन हैंड फील भी लास्ट ईयर नोट 10 प्रो का बहुत ज्यादा अच्छा था। अभी भी जितने फोन आ रहे हैं ना उसमें ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है, और 17,000 की प्राइसिंग है, 17,000 में आजकल प्लास्टिक बॉडी मिल रहा है, लेकिन ये फोन भाई ग्लास बॉडी और मैट फिनिश और फ्रॉस्ट और भाई कलर कितना प्यारा है। और अगर बात की जाए कैमरा की और कैमरा मॉड्यूल की, दोनों का कैमरा काफी मिलता जुलता है। AI की ब्रांडिंग काफी वियर्ड सी लग रही है, ये मतलब काफी अच्छा लग रहा है। पर ये जो कैमरा ऐसा लगता है कि मुंह फाड़ा हुआ इसने, काफी अच्छा सा लगता है। इसका भी कैमरा मॉड्यूल डेफिनेटली काफी अच्छा है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का, इसका 64 मेगापिक्सल का, बाकी हर एक चीज सेम है। लेकिन भाई इस फोन के अंदर है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटोग्राफी, और बहुत एपिक है वो। आपको दिखाते हैं एग्जांपल लाइव, कि हमारे पास ये पौधा है, इसमें आप वाटर ड्रॉपलेट देख सकते हो। इसके मैक्रो में देखोगे सिर्फ मैक्रो, सुपर मैक्रो नहीं है, 2 मेगापिक्सल कैमरा है इसका लिटरली, और इसके अंदर ऑटो फोकस भी नहीं कर रहा है ये। देखो क्वालिटी भाई काफी ज्यादा गंदी है, और आप सामने कंपैरिजन देख सकते हो भाई। और अगर बात करते हैं नॉर्मल फोटोग्राफी की, तो थोड़ा सा बाहर फोटोग्राफी कर लेते हैं। और अगर बात करते हैं वीडियोस की, तो आपको एक बार इसका वीडियो सैंपल दिखाते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये है Redmi Note 10 Pro, Note 11 Pro। और अगर बात की जाए इंडोर वीडियोस की, तो आप जज कर सकते हो, माइक हम लोग स्विच करते रहेंगे, दोनों अलग ही टाइप ऑफ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जज कर सकते हो। हम लोग को थोड़ा कलर्स में 10 Pro ज्यादा अच्छा लगा क्वालिटी के लिए, 11 अच्छा लगा। मैं अगर ओवरऑल जाऊं तो 10 Pro की क्वालिटी उतनी भी खराब नहीं भाई, तो बहुत ज्यादा कॉम्पीट कर रहा है। और अब थोड़ा सा आउटडोर चल लेते हैं। अभी आप वीडियो सैंपल देख रहे हो Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus Max का, दोनों ही वीडियो 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है, और हम लोग माइक की क्वालिटी स्विच करते रहेंगे। जैसे कि अभी आप सुन रहे हो ये है Redmi Note 11 Pro Plus 5G, भाई क्या लंबा नाम है। एक साल पुराना फोन है Redmi का Note 10 Pro, और भाई आपको अंदाजा लग चुका होगा। और अब स्विच करते हैं वाइड एंगल पे, और ये है अल्ट्रा वाइड वीडियो का फुटेज। भाई देखो हम लोग दोबारा से माइक स्विच करते रहेंगे, और क्लोज आओ थोड़ा सा मारो भाई, एक हाथ के डिस्टेंस आप देख सकते हो नोट 11 प्रो नया वाला कितना सही वाइड एंगल कैप्चर कर रहा है। लेकिन दोनों ही के अंदर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, एक साल हो गया, क्वालिटी और फुटेज में इंक्रीमेंट जरूर हो चुका है। और ये है सेल्फी फुटेज Redmi Note 11 Pro Plus 5G, और ये है Note 10 Pro अपना, एक साल पुराना फोन है भाई,
और क्वालिटी में सच में काफी डिफरेंस है। मुझे नोट 11 का क्वालिटी और कलर साइंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे 10 प्रो भी कम नहीं है भाई, 10 प्रो भी अपने टाइम का राजा रह चुका है और अभी भी भाई इस फुटेज से आप आराम से काम चला सकते हो। और अगर बात करते हैं एक्सपोजर कंट्रोल का, तो आप देखोगे 10 में कितना ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहा है। HDR इसका बहुत ही स्ट्रांग है, 11 का HDR वीक है थोड़ा सा। और हमने बहुत ज्यादा आउटडोर फोटोग्राफी भी ट्राई की। अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो सेल्फी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो अलग टाइप ऑफ सेल्फी देखने को मिल रही है। नोट 10 प्रो का कलर ज्यादा अच्छा है, 11 की क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट आप सिमिलर क्वालिटी कह सकते हो। कलर्स मुझको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं 10 प्रो के। और ये अपनी ग्रुप सेल्फी, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट, कलर्स 10 प्रो के ज्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी 11 प्रो का ज्यादा अच्छा है। लेकिन ओवरऑल एक को चूज करना पड़े तो मैं 10 को चूज करूंगा। और ये वाइड एंगल, यहाँ पे 11 प्रो का HDR बहुत ज्यादा अच्छा है, इवन की क्वालिटी काफी अच्छी है क्योंकि इसका सेंसर ज्यादा अच्छा था। 10 प्रो की क्वालिटी बहुत ही खराब है, HDR बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे क्लियर विनर अपना 11 प्रो प्लस निकल गया था। ये वाली फोटो की भी सेम हाल है, इवन की 11 प्रो का जो आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। नॉर्मल फोटोज की बात करें तो यहाँ पर भी 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है 11 प्रो प्लस का, ये बहुत ही ज्यादा आगे निकल के आता है। और अगर आप देखो तो इसकी क्वालिटी, इसका कलर्स बहुत ज्यादा अच्छा है भाई, सेम सारे सैंपल्स का। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा बहुत इंप्रूव हो गया है, इवन की पोर्ट्रेट में भी इसके कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। 10 प्रो का एज डिटेक्शन मुझे थोड़ा ज्यादा नेचुरल लगा, लेकिन उतना ज्यादा भी नेचुरल नहीं है। 11 प्रो ने बहुत ही अच्छा बैलेंस किया और मेरे हिसाब से 11 प्रो का कैमरा बहुत इंप्रेसिव काम कर रहा है यहाँ पे। इवन की ऑब्जेक्ट फोटोज में भी वाइट बैलेंस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको कूल टोन बहुत ज्यादा ऐड किया हुआ है, उसके वजह से फोटोज के जो एक्चुअल कलर है वो निकल चुका है 10 प्रो का। तो डेफिनेटली 11 प्रो का कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर आया यहाँ पे। तो सिंपल बात, 11 प्रो प्लस का कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और बहुत ज्यादा इंप्रूव करके भेजा इन्होंने इस बार। 10 प्रो का कैमरा लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव था, लेकिन अभी ये लड़ नहीं पाएगा भाई, लेकिन 17,000 रुपए के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है। और अगर बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल है दोनों ही फोन में, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद एमोलेड 17,000 रुपए के हिसाब से भाई अभी के लिए 2022 में बहुत इंप्रेसिव है। ये डिस्प्ले इस प्राइस पे आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो यहाँ पे नोट 11 प्रो क्रेजी गुड डिस्प्ले के साथ आता है। सबसे पहली बात, दोनों ही फोन अभी फुल ब्राइटनेस के ऊपर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली नोट 11 प्रो की डिस्प्ले बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है और ब्राइटनेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डेफिनेटली आपको 11 प्रो प्लस ब्राइट ज्यादा है। क्लियरिटी और व्यूइंग एंगल्स दोनों ही फोन का बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली डिस्प्ले में मैं अपना वोट इजिली दे सकता हूँ 11 प्रो प्लस को। और अभी दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे, और डेफिनेटली यहाँ पे 11 प्रो बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। और अगर आप एक एंटरटेनमेंट सैवी हो भाई, दिन भर नेटफ्लिक्स देखते रहते हो, दोनों के अंदर आपको HD में नेटफ्लिक्स आप आराम से देख सकते हो, वाइड वन एल वन का सपोर्ट है। लेकिन अगर बात करते हैं भाई स्पीकर्स की, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। वैसे दोनों ही फोन के अंदर डुअल स्पीकर मिलता है नीचे और ऊपर, और बताया जाता है ट्रिपल सिम स्लॉट भी दोनों के अंदर मिलेगा आपको, और ये 4G है और ये 5G है। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो अभी 10 प्रो चलाते हैं पहले, दोनों के वॉल्यूम फुल है। इलेवन प्रो चलाते हैं फुल वॉल्यूम, तो डेफिनेटली 11 प्रो का स्पीकर भी काफी अच्छा है, बेस काफी अच्छा है इसका, वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका खराब है। इसमें डुअल स्पीकर है, इसमें भी वॉल्यूम अच्छा है, इसमें भी बेस थोड़ा सा कम है 2022 के फोन के सामने। और अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, प्रोसेसिंग पावर की, तो दोनों ही का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। लास्ट ईयर के फोन इसके अंदर आपको 732G स्नैपड्रैगन का है, 4G प्रोसेसर है, लेकिन इसकी PUBG परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती थी लास्ट ईयर के हिसाब से, मीडियम सेटिंग्स पे इपिक चलता है। और अगर बात करते हैं अपने 11 प्रो प्लस की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 और ये भी बहुत ही ऑप्टिमाइज और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इसके PUBG में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिखाते हैं आपको सेटिंग्स के अंदर जाके। ग्राफिक सेटिंग्स इसका HD में हाई, मैक्सिमम सेटिंग्स है, स्मूथ में अल्ट्रा है, और ये 22,000 रुपए के फोन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे डेफिनेटली एक अपडेट मांगते हैं हम लोग को, जिसमें HDR चलना चाहिए, HDR नहीं चल रहा है इसमें। लेकिन फोन का जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली भाई डे लाइफ के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई भी इशू नहीं आएगा। छोटा मोटा बग्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको, जो कि भाई Xiaomi के सारे फोन्स में रहता ही रहता है, जैसे कि इसके अंदर एक दो बग्स हैं, जैसे कि बैटरी फुल रहता है आप रीस्टार्ट करते हो, या फोन स्विच ऑफ होकर बैटरी फुल होता है तो बैटरी लो लिखेगा, बैटरी लो दिखाएगा, वो एक छोटा सा बग है। और जब आप आउटडोर में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, इससे इसका डिस्प्ले ब्राइटनेस कभी डिम हो जाता है, कभी लिट हो जाता है, तो एक दो छोटा छोटा बग्स हैं इसके अंदर। और अगर बात करते हैं 10 प्रो के बारे में, नोट 10 प्रो के ग्राफिक्स की बात करें, तो इसका भी एकदम एग्जैक्टली सिमिलर, स्मूथ पे अल्ट्रा, HD पे
हाई और HDR इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो HD पे हाई सेटिंग है इसका उस पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भी लैग वैग नहीं आता और उसके हिसाब से 17,000 की प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफाई करता है। अबाउट फोन में जाके आप देख सकते हो कि अभी भी 10 प्रो में आपको MIUI 13 इसके अंदर नहीं आया है, लेकिन MIUI 13 का अपडेट इसके अंदर आ जाएगा। और अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें 11 ही है, सिमिलर टू अपना 11, इसके अंदर भी आपको एंड्रॉइड 11 ही देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे MIUI 13 के ऊपर चलता है। और दूसरी बात, यहाँ पे नया फोन होने के बाद भी इसके अंदर 1080p 30fps तक मैक्स रिकॉर्ड करता है ये, लेकिन 10 प्रो अपना 1080p 30fps 60fps इवन की 4K भी इसके अंदर है। चलो मान लें कि 4K उतना काम नहीं करता है, लेकिन 1080p 60fps तो भाई सारा फोन डिजर्व करता है और डेफिनेटली आपको 11 प्रो में होना चाहिए था, जो कि काफी बड़ा डाउन पॉइंट लगा है मुझे। लेकिन अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वहां पे निराश नहीं करता, 1080p 30fps भी रिकॉर्ड करोगे ना काफी अच्छी क्वालिटी निकाल के देता है ये। अगर बात करते हैं कंक्लूजन की, तो दोनों ही फोन अपने अपने प्राइस में अभी पूरा वर्थ दे रहे हैं। इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है, इसका कैमरा मच बेटर है, डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। डिजाइन भाई लास्ट ईयर वाला 10 प्रो का बहुत ही अच्छा था, इसका कैमरा अभी भी काफी अच्छा काम कर रहा है और 17,000 की जो प्राइसिंग है इसकी उसके हिसाब से डिजाइन तो भाई बहुत तगड़ी है और डिस्प्ले भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो दोनों ही फोन को मैं बोलूंगा वर्थ है फॉर द प्राइस पॉइंट। अगर आपको लेना है तो अपनी प्राइसिंग देखो और ले लो, और 10 प्रो अभी भी वर्थ इट है। और इस वीडियो के लिए देखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो और मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन पसंद आएगा। पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय एंड जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।